मतलब जिसमें आपके पास इनफ्लो फॉरेक्स का कम आ रहा है आउट ज्यादा आ रहा है तो वो क्या क्रिएट करेगा डिसिक्विलिब्रियम अच्छा एक बात यहाँ पे अब जनरली जैसे क्योंकि ये वर्ड अच्छा सा लगे लगेगा ही नहीं कि अगर किसी कंट्री का बीओपी डिसिक्विलिब्रियम में है तो इज इट अ बैड साइन ठीक है आई थिंक मैंने आपको शायद पहले क्लियर किया था लेकिन मैं फिर भी एक बार जस्ट ब्रीफ में बता देता हूँ

Or for their own sake, due to some economic motive or the satisfaction they yield. These transactions include commercial transactions like exports and imports of goods as well as services. Long-term and short-term capital movements motivated by the desire to earn higher returns abroad and non-commercial voluntary unitary transfers like gifts, donation, etc. International international like grounds, pe apne personal motive se kar rahe ho. Wo transaction. So such transactions take place irrespective of other transactions entered into the balance of payment. Hence, these are not meant to bring balance.

if autonomous credit receipts exceed autonomous debit payments there is a surplus in the balance of payments and the disequilibrium is said to be favorable on the other hand if autonomous debit payments exceed autonomous credit receipts there's a deficit in the balance of payments and the disequilibrium is said to be adverse or unfavorable if autonomous receipts that is sum of current and capital account payments are equal there's neither deficit nor surplus and the balance of payment is in equilibrium thus

so the disequilibrium in the balance of autonomous transaction is offset by accommodating transaction. these transactions are not undertaken for their own sake. they take place not regardless of the size of other items in the balance of payments account, but precisely as the other items, such as to leave a gap to be filled, right? Ke surplus hai toh extra gaya, deficit to come accommodating items are in the nature of official reserve transactions. these are carried out by the government and the

के दोनों बराबर हो तो इससे ही होगा। इन द इवेंट ऑफ डेफिसिट सेंट्रल बैंक डिप्लीट द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बोरोस फ्रॉम द आई एम एफ और मोनिटी अथॉरिटीज ऑफ सेल्स गोल्ड राइट इन कंट्रास्ट सेंट्रल बैंक में यूज़ सरप्लस टू परचेज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व फॉरन सिक्योरिटीज गोल्ड इन अदर वर्ड्स ऑफ सिडनी जे वेल्स

करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरिन करेंसी टू ब्रिंग मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टू द नेशन देखो जब किसी कंट्री को ऐसा लगता है कि उसके फॉरिक्स के रिजर्व कम हो रहे हैं मतलब डेफिसिट वगैरह जो है वो ज्यादा हो रहे हैं तो ऐसे में वो कंट्रीज क्या करती है स्टूडेंट कई बार ऐसे में वो कंट्रीज अपनी करेंसी कम कर लेंगे जैसे मान लो कि अभी एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू मैं अभी का मतलब ये नहीं मतलब एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ मान लेता हूँ कि वो आई एनआर चल रहा है ठीक है और इंडिया को बीओपी डेफिसिट हो गया तो इंडियन जो आरबीआई है इंडियन गवर्नमेंट के डिस्कशन करने के बाद आरबीआई डी वैल्यू कर सकता है करेंसी को और ये कह सकता है कि भाई अब हम एक यूएस डॉलर के बदले क्या कर रहे हैं जी हम आई एन ऑफर कर रहे हैं अब आपको लगेगा तो वैल्यू बढ़ रही है

ठीक है अपोजिट नहीं है डेप्रिसिएशन का भी सेम काम होता है कि यूएस डॉलर अगर पहले आई एनआर एट्टी का था तो अब वही एक यूएस डॉलर कितने का हो जाएगा आई एनआर एट्टी टू का हो जाएगा सेम बात है लेकिन एक बात समझने वाली यहाँ पे ये यह कि डेप्रिसिएशन जो है ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है जबकि डीवेल्यूएशन जो होता है वो फिक्स एक्सचेंज रेट का पार्ट होता है और यहाँ पे एक बात समझना डिडक्शन इन द वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी यहां पे ये जो होता है ये गवर्नमेंट सोच समझ के करती है डी आपकी सरकार सोच समझ के करती है जबकि डेप्रिसिएशन हम इंडिविजुअल्स के बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने की वजह से हो जाता है क्योंकि डिमांड इतना बढ़ जाता है कि ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्शन है इंपैक्ट तो सेम ही चला जाएगा लेटर ऑन बट डेप्रिसिएशन एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है जबकि डी एक स्ट्रेटजी हो सकती है जो आपके काम आ सकती है राइट चलो तो आगे बढ़ते हैं अब पहले दे रखा है मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स अब इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब हो गया कि कोई भी इकोनॉमिक जो इवेंट है उसकी वजह से आपकी करेंसी या आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिस्टर्ब होना तो ग्रोइंग डेवलपमेंट नीड इसके मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें मंगाएंगे तो इस वजह से हो सकता है प्राइस चेंज अफेक्टिंग द डिमांड एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मतलब आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो चीजें महंगी हो गई हैं। वो महंगी होने की वजह से लोग आपकी कंट्रीज सामान लेनी रहे तो आपके इम्पोर्ट्स कम हो गए हैं बट एक्सपोर्ट सॉरी आपके जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो गया लेकिन जो हैं है उनपे आप इतना नजर रख नहीं पाए तो इस वजह से साइक्लिकल फ्लक्चुएशन तो हो जाएंगी जैसे कि हर बिजनेस जो होता है वो स्टूडेंट ऐसे एक पीरियड से गुजरता है मतलब लॉन्ग टर्म में तो हर बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा बट अगर उसको देखेंगे तो हर इकोनॉमी ऐसे जाती है, तो ये, का आ जाता है ये आपका बॉटम तो इस हिसाब से होता है तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से भी दिक्कतें आती है अंडर वेल्यूएशन और ओवर वेश वेल्यूशन कर देना चेंज इन कंज्यूमर अब आपको ही पता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं ज्यादातर जो यूथ है

ये एक फैक्टर बन जाता है क्योंकि देखो ये तो हमने थ्योरी बहुत सारी पढ़ी है ना कि कंट्री वगैरह कब राइट चलो नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर अब पॉलिटिकल फैक्टर कैसे है देखो इसका तो बहुत एक बेस्ट सीजन मैं आपको अभी अभी दे सकता हूं आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट चलते चलते दो साल पूरे होने वाले हैं खत्म तो नहीं हुआ अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर अब ये पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल टेंशन है इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये क्या करता है ये इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करता है और क्योंकि यहाँ पे जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है जो जो मेजर एक्यूज किया जा रहा है और के जा रहा है है और और के 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 तो जिसकी वजह से इसके के बहुत सारे लिंक कंट्रीज साथ जो ट्रेड कर रहा है, वो डिस्टर्ब हुआ तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है आपके कंट्री के अंदर क्योंकि कोई इन्वेस्टर आपकी कंट्री में सेंटिमेंट्स को देख के भी इन्वेस्ट करता है कि कौन सी पार्टी रूलिंग में है उस जो रूलिंग पार्टी है उसका बिजनेस के टुवर्ड्स क्या डिसीजन है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को किस तरीके से ट्रीट करना पसंद करते हैं अब पाकिस्तान है पाकिस्तान भी सेम सिचुएशन को ही ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं फेस कर रहा है कैसे क्योंकि तो पाकिस्तान इज दिस प्रॉब्लम कि वहां पे पॉलिटिकल बहुत ज्यादा है मिलिट्री कंट्रोल है सारा का सारा है ना तो वहां पे उनको ये नहीं पता कि अगर आज हम एमएनसी स्टार्ट कर देंगे तो कल वो कब अपने प्रेसिडेंट को ही पकड़ लेंगे तो इस चीज का एक बड़ा अगर देखा जाए तो उनके साथ दिक्कत तो है ना कि कहीं ना कहीं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के बैठ जाएंगे फिर आप क्या करेंगे तो ऐसे में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है सरकार का भरोसा नहीं होता है वॉर सिचुएशन होती है तो ऐसे में फॉरन से बहुत सी इन्वेस्टमेंट ऐसे रुक जाती है 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 ठीक फिर जब पॉलिटिकल कंट्री में तो इकोनॉमिक डिसीजन आपके अच्छे नहीं होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आप एनहेंस नहीं कर सकते तो व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना भी तो चाहिए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने के लिए आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होनी चाहिए ठीक है जैसे आप एक और केस ले सकते हो अफगानिस्तान का आपको पता ही होगा ट्वेंटी ट्वेंटी में ही हुआ था ना शायद सीन ये भी तो 2023 में वो अफगानिस्तान के जो जो लीडर थे प्रेसिडेंट वो सारा पैसा लेके उड़ गए थे फिर तालिबानीज ने उन पर अटैक कर दिया अब आप खुद सोचो तो प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंट्री और कौन सा बड़ा इन्वेस्टर अफगानिस्तान में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेगा बिल्कुल नहीं करेगा उसे पता है कि वो कंट्री जो कि ऑलरेडी एक तरीके से अगर हम बात करें तो ऑक्युपाइड मतलब कॉलोनी टाइप का बना लिया तालिबानीज ने अपना तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं वहां पर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे राइट ठीक है तो ये एक प्रॉब्लम है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन ऑफ एम्बेसी अब्रॉड पार्टीशन ऑफ कंट्री लाइक डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर डिवीजन ऑफ यूगोस्लो वाकिया और इंडिया यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री लाइक दैट ऑफ वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी इंटरनेशनल रिलेशन कॉर्डियल और हॉस्टाइल डिस दिया मेजर्स टू करेक्ट अब ये तो हमने पढ़ लिया क्या रीजन है

डेट ट्रैप इंडिया पूरी तरीके से डेट ट्रैप में आ चुका था डेट ट्रैप स्टूडेंट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं क्लियर कर सिचुएशन वेयर यू आर टेकिंग डेट इन ऑर्डर टू कवर द एग्जिस्टिंग डेट आप डेट में हैं और एग्जिस्टिंग डेट को कवर करने के लिए आप डेट ले रहे हो तो उसे डेट ट्रैप कहते हैं तो डेट ट्रैप में तो लोगों ने बाकी देशों ने कहा हम तो लोन देंगे नहीं आई ने कहा चलो वर्ल्ड बैंक ने सॉरी वर्ल्ड बैंक आई जो भी कमान ले उन्होंने बोला कि हम लोन देंगे लेकिन कि चेंज तो किया था और हम वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने गए थे ऑलमोस्ट डॉलर सेवन बिलियन का लोन लेने गए थे उस टाइम के करेंसी रेट्स के हिसाब से ठीक है तो ये सिचुएशन जो है स्टूडेंट वो गई थी इंडिया के सामने तो इसलिए इंडिया को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ा था राइट चलो आगे

लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उनको बढ़ाते चले जाएंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में क्रिएट करते चले जाएंगे जिससे आपको पता है कि चाइना की जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी है तो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि कि वो अपने आप रिवाइव कर कर जाएगा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अभी एकदम से लोगों को जुनून चढ़ गए तो boycott कर दिया बट लेटर ऑन दे विल फिगर इट आउट की भाई उसको बॉयकाउट करके फायदा नहीं है क्योंकि तो आधे से ज्यादा कंज्यूमर गुड मैं बार बार बता चुका हूँ वो तो चाइना ही दे रहा है आपको तो वो कवर कर लेगा तो एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास राइट नेक्स्ट हमारे पास है एडजस्टमेंट पॉलिसीज While automatic adjustment mechanism is triggered as soon as this equilibrium is eliminated, adjustment policies have a time lag. It takes time for the government to adopt appropriate policy to restore balance of payments equilibrium. Though adjustment policies are painful, the government can avoid negative side effects through these policy measures. Thus, adjustment policies are specific measures adopted by the government to correct a balance of payments disequilibrium. वो क्या है कि जो एडजस्टमेंट पॉलिसीज हैं वो क्या होती हैं वो जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती हैं ठीक है थीके? वो थोड़ा सा टाइम ले जाती हैं ठीक है थीके? अलग अलग पॉलिसीज होती हैं जिनसे कि गवर्नमेंट जैसे वो ज्यादातर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट का मॉडिफिकेशन डीवेलशन जो मैंने आपसे कहा अब इंटरेस्ट रेट का मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक कर सकता है अपने देश में लोन के इंटरेस्ट को कम कर दो इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ज्यादा दे दो इससे ये होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे बट दीज थिंग्स जो भी गवर्नमेंट लेती है वो टाइम देता है तो उसके हिसाब से हो जाता है राइट ठीक है नेक्स्ट हमें डी वैल्युएशन जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन में क्लियर किया था तो डी वैल्युएशन का मतलब क्या है जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो करेंसी की वैल्यू को कम कर रहती है और ये कम करने की वजह क्या होती है स्टूडेंट्स ये कम करने की वजह होती है कि जिससे कि उनको लगे कि अब हमारा डॉलर जो है ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अटेन लाइक बाय कर सकता है इंडियन मार्केट के अंदर या फिर उनको ये लगे कि भाई अगर हम वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेम डॉलर इन्वेस्ट करके हमें अब ज्यादा वैल्यू मिल सकती है तो दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है डिवेल्यूशन की वजह से पैसा आता है so, क्यों? क्योंकि का क्या आया? उनको सस्ता पड़ रहा है तो आपसे ज्यादा खरीदेंगे बढ़ेंगे लेकिन डीवेल्यूशन में आपको महंगा पड़ रहा है ना तो मैं आपको महंगा पड़ने की वजह से जो इंपोर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे वो महंगे तो इंपोर्ट्स कम तो इम्पोर्ट्स कम एक्सपोर्ट ज्यादा तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा पॉलिसी तो so डिवल्यूशन है वो क्या है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी क्योंकि अब उनके एक्सपेंडिचर ज्यादा यहाँ आ रहे हैं हमारे एक्सपेंडिचर वहां पे कम जा रहे हैं वन द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज शिफ्टेड फ्रॉम इंपोर्ट्स टू डोमेस्टिक गुड्स टू चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स डोमेस्टिक गुड्स सेम ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अब मैंने बताया उल्टा होता है डीवेल गवर्नमेंट सोच समझ के कर रही है और डेप्रिसिएशन तो मार्केट की वजह से होता है कि तुम जब बहुत ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाते हो फॉरन के प्रोडक्ट्स को तो उससे फॉरन के गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है राइट right? और जब आपके फॉरन के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो उससे देखो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम करता है बहुत सिंपल है छोटी सी चीज है ठीक है ये समझ लोगे तो आसानी रहेगी देखो अब ये मेरे पास एक सेक्सेस है एक सेक्सेस मैंने लिख लिया जो भी हमारे पास क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है डॉलर की और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस जो भी डॉलर का डिसाइड दुनिया में किसी भी चीज का जो रेट डिसाइड करने का तरीका है वो है डिमांड सप्लाई स्टूडेंट्स तो दिस इज आर डिमांड कर्व एंड दिस इज आर सप्लाई कर्व राइट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डिमांड और सप्लाई कर्व का यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिसाइड होती है

कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके ऊपर आने वाला रेवेन्यू या उसका जो प्राइस उसके डिमांड को अफेक्ट करेगा वो उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा मान लो मैं डीवेल्यू कर दू मैं कंट्री हूं मैंने डीवेल्यू मैं इंडिया नहीं लेके चल रहा हूँ अपने आपको कोई भी कंट्री लेके चल रहा हूं और मैंने अपने आपको डीवेल्यू कर लिया लेकिन मैं एक्सपोर्ट क्या कर रहा हूँ मैं ज्यादातर स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहा हूं। इंडिया एक्चुअली में कहता है स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है वेजिटेबल्स करता है फ्रूट्स करता है, करता है इनकी डिमांड है ही कितनी तो अगर तुम डी वैल्यू कर भी दोगे तो लोग उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले राइट तो डी वेल्यूएशन अब जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल्स में कहता हूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज है अगर वो अपनी करेंसी डी वैल्यू करके रखे भी तो और अब बहुत डी वैल्यू है जब हमारा रुपया वहां इतना है तो यू कैन थिंक डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग होगा तो सुंदर पे जाए बेवकूफ नहीं है सुंदर पिजाई सर बहुत स्मार्ट है वो जो अपने डॉलर लाइक अपने गूगल का इन्वेस्टमेंट वहां कर सकते हैं बट उनको पता है फायदा नहीं है प्रोडक्ट तो बनाऊंगा खरीदेगा कौन यहाँ पे खरीदने वाले लोग भी तो चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन नहीं चाहिए कंज्यूमर बेस भी चाहिए राइट

हो सकता है आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाए लेकिन आप सोच के देखो क्योंकि आप एक डेवलपिंग कंट्री हो और इंडिया ही मान लो तो इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट करेगा ही करेगा इंडिया ऑयल को इम्पोर्ट करेगा ही करेगा तो इंडिया कैपिटल टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करेगा तो कुछ चीजों के इंपोर्ट स्टूडेंट आप रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते वो करने ही पड़ेंगे हर इंपोर्ट पे अब आप आपका एक्स्ट्रा मनी जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि डिवेल्यूएशन करने से आपको हमेशा सोल्यूशन मिल ही जाएगा क्योंकि आपके एक्सपोर्टेड जो आइटम्स हैं वो शायद इतने सिग्निफिकेंट नहीं है वर्ल्ड के लिए लेकिन आप अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो राइट आपके इंपोर्ट्स कुछ ऐसी चीजों के होते हैं जिनको आपको करना ही करना पड़ेगा वरना आपका डेवलपमेंट प्रोसेस में एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा राइट वो हिंड्रेंस जो है वो दिक्कत देगा तो दैट इज द थिंग जो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि इम्पोर्ट हमेशा बेनिफिशियल नहीं होने देंगे आपको तो डिवोल्यूशन हमेशा आपको सक्सेस देगा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है राइट तो इन केस ऑफ इन इलास्टिक इम्पोर्ट डिमांड हायर अमाउंट विल बी फॉर इम्पोर्ट्स आफ्टर ऑफ होम करेंसी वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट दिसम राइट लाइक विद विथ इन इलास्टिक एक्सपोर्ट डिमांड

पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है नॉन टैरिम कि पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिए तो आई रियली डोंट थिंक हमें इसको दोबारा से और फर्दर डेप्थ में जाने की जरूरत है क्योंकि जो हमने पढ़ा था वो सारी चीजें यही है राइट सो दिस मेथड डिसाइड्स करेक्टिंग एडवर्स ऑफ पेमेंट प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्रीज

कि आप कई बार मतलब तो टैरिफ्स के केस में क्या कर सकते हैं या तो आप परसेंटेज की फॉर्म में लगा लोगे कितना परसेंट है या तो परसेंटेज लग जाएगा स्टूडेंट्स नहीं परसेंटेज लगेगा तो फिर आपके पास क्या लगेगा अगर नॉन टैरिफ बैरियर लगेगा नॉन टैरिफ का तो मतलब क्या है कि आपने क्वांटिटी सेट कर दी कि इतना ही होना चाहिए तो जब आप अपने इंपोर्ट्स को एक लिमिट पे कर दोगे कि भाई इतना ही हो सकता है तो भी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जाएगा तो ये डायरेक्ट कंट्रोल आ गया हमारे पास राइट चलो तो स्टूडेंट्स देखो ये पूरा था दैट दॉ ऑल अबाउट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास इतना ही है मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर काफी सारी और भी इंपॉर्टेंट यूजफुल टर्म्स क्लियर कर दी हैं अब ये टर्म्स आपको अभी नहीं आपको जैसे जैसे आप आगे टॉपिक्स पढ़ते जाओगे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे ये सारे टर्म्स आपको वहां पे भी हेल्प करेंगे जस्ट वांट यू कि आप यहां तक बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पूरा पोर्शन है वो रिवाइज करके रखें नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर सिक्स जो है ठीक है वो कंप्लीट करेंगे जिसमें हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है देखो यहाँ तक के जो चैप्टर थे उनमें टेक्निकलिटीज थोड़ी ज्यादा थी बट आगे के चैप्टर हमारे थ्योरिटिकल हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर्स जो आपके थे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाले वहां तक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन करना क्योंकि तो यहाँ तक की वेटेज भी अच्छी खासी है राइट तो तब तक के लिए बाय टेक केयर और नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं आपसे